गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अदीबा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हैवी आईज मेकअप लुक, वो भी सिंपल स्टेप्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी एक मार्स की कंसीलर पैलेट ले ली है जिसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं और मैं उसको अपनी आईज पर अच्छे से लगा लूँगी। और मैंने इसमें से इसको मैंने अच्छे से लगा लिया अपनी आईज पर। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया अपना और उसकी मदद से मैंने अपनी आईज़ पर कंसीलर जितना भी लगा रखा था सबको ब्लेंड कर लिया। और हमें कंसीलर इतना ब्लेंड करना चाहिए ताकि वो दिखे हमारी आईज़ पर। हम बिल्कुल ब्लेंड कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा, जिससे कलर भी निकल कर नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, मेरी आईब्रो मुझे थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही थी तो इसलिए मैंने उन्हें फिल कर ली थी, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ऑलरेडी आईब्रो फिल कर रखी थी। सो मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रो को फिल करा, एक अच्छी से शेप दे दी, कॉर्नर्स भी फिल करे थे और थोड़ा फ्रंट से भी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फिटमी का कॉम्पैक्ट लेकर अपनी आईज सेट करी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइब्रेशन की पैलेट ली और इसमें से एक पिंक शेड पिक करा मैंने, और पिंक शेड को पिक कर मैंने उसको हल्के हल्के डिपॉजिट करना शुरू करा अपनी आईज़ में। क्योंकि ना एकदम डार्क शेड बिल्कुल ही कर देंगे हम, डायरेक्ट उसको डार्क लेकर ही डार्क करते रहेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे डार्क तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बिल्कुल ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर लगाएंगे वो एक तो नीचे भी गिरेगा प्रोडक्ट और वो काफ़ी ज़्यादा केकी लगेगा, आईज़ मेकअप लुक अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने इसलिए इसी वजह से अपनी आईज़ पर हल्के हल्के कलर लेकर उसे डिपॉजिट करा। ये फास्ट मूड पर है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा कलर लिया है, बट मैंने कम प्रोडक्ट लेकर इसे ब्लेंडिंग अच्छे से करी है। आईज़ मेकअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईज़ ब्लेंडिंग होती है आई शेडो की। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर लेकर एक विंग बनाया, और विंग बनाया कट क्रीज विंग बनाया मैंने। हाँ, मैंने यहाँ पर क्रीज बनाई और उसको विंग की तरह निकाल दिया मैंने साइड से, और इस तरीके से मैंने कुछ अपनी क्रीज बनाई और काफ़ी अच्छे से बन गई थी, काफ़ी सही से। फिर मैंने दोनों आईज़ पर वही कर लिया। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर ये रेवोल्यूशन की एक सिंगल आई शेडो ली थी जो कि मुझे फ्री मिली थी, और ये जो सिंगल आई शेडो थी ये जेल बेस्ड थी। सो मैंने इसको लगाया अपनी आईज़ पर और ये मुझे 2000 की शॉपिंग के साथ फ्री मिला था रेवोल्यूशन की तरफ से, और एक इसके साथ एक छोटा प्राइमर भी था। सो मैंने इसको यूज़ में ले लिया और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थी। और मैंने इसको थोड़ा ऊपर का स्पेस, मतलब बीच में आई शेडो के और नीचे के लिड के बेस को छोड़कर मैंने इसको नीचे एक अच्छे से लगा लिया है काफ़ी। अब आप जैसे देख रहे होंगे मैं ऊपर बिल्कुल मिला कर नहीं लगा रही, उसमें मैंने स्पेस थोड़ा लीव कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से फिल करा। फिर मैंने एक एयरबड ली और मैंने गार्नियर का मॉइस्चराइजर लेकर एक विंग जो नीचे भी जितना भी एक्सेस था वो सब रिमूव करके एक अच्छे से शार्प लाइन सी कर ली। रिमूव करने के बाद काफ़ी अच्छा इस मेकअप लुक आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने पूरे क्लीन करके साइड के कॉर्नर वगैरह, और मैंने यहाँ पर अपने एक गोल्डन ग्लिटर ली जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर रखी थी, और इस ग्लिटर को मैंने आईलैशेस ग्लू से लगाया था क्योंकि मेरे पास जो ग्लिटर ग्लू थी वो नहीं थी। मैंने ग्लिटर और अपना ब्रश क्लीन करके मैंने जल्दी से उस अपनी ग्लिटर को अपनी आईज के बीच वाला जो एरिया छोड़ रखा था उस पर लगाया। पहले मैंने ग्लू लगाई फिर ग्लिटर, और ऐसे करके मैंने कुछ अपनी आईज पर लगा लिया था। मैंने थोड़ा बाहर तक ही लगाया था ताकि लुक मेरा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी परफेक्ट लगे, और ये अच्छा भी लग रहा था काफ़ी। फिर इस तरीके से मैंने कुछ कर लिया था, रिंग लाइट ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी ग्लिटर लगाने के बाद आईज पर फिर मैंने अपनी आईज पर लाइनर लगाया। लाइनर मैंने अपना लैक्मी का यूज करा था यहाँ पर, और लैक्मी का लाइनर लगाया मैंने विंग के साथ ही लगाया था। हाँ, मैंने विंग वाला अपना लाइनर ड्रॉ करा अपनी आईज पर, और मस्कारा वगैरह सब मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी आई थिंक काजल ली है, काजल वगैरह शायद मैंने सब ऑफ कैमरा ही लगा ली थी, या फिर मैं लगाऊंगी इस वीडियो में देख लेना आप, क्योंकि ये मैंने शूट पहले की कर रखी है। वॉइस का वो जो होता है वॉइस में बाद में ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। फिर उसके बाद मैंने इस तरीके का कुछ लाइनर लगा लिया था विंग वाला,
और इसकी मैंने विंग काफ़ी अच्छे तक, जहाँ तक मैंने आई शेडो दी थी वहीं तक ही मैंने इसकी विंग बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने सेम पिंक कलर लेकर अपने लोअर लिड्स को कवर कर लिया ताकि आईज मेकअप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करा। सॉरी, फिर ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।